जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही 5 मैचों की सीरीज का रविवार को अंत हुआ। इस सीरीज का आखिरी मैच 14 जुलाई को हरारे में खेला गया। सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले टीम इंडिया को बैटिंग के लिए बुलाया, जिसके बाद पहले बैटिंग करने आई टीम इंडिया ने 20 ओवर्स में 6 विकेट खोकर 167 रन बनाए, जिसमें संजू सैमसन ने सबसे ज्यादा 58 रनों का योगदान दिया। वहीं इस टारगेट का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 125 रनों पर ही सिमट गई और भारत ने इस मुकाबले को 42 रनों से जीत लिया। अब पूरे मैच की हाईलाइट्स की अगर बात करें तो टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए शुरुआती झटके लगने के बाद संजू सैमसन ने पारी को संभाला। संजू सैमसन ने 45 गेंदों पर एक चौका और 4 छक्कों की मदद से 58 रनों की पारी खेली। वहीं शिवम दुबे ने उनका अच्छा साथ देते हुए 12 गेंदों पर तेजी से 26 रनों का योगदान दिया। अपनी इस पारी में दुबे ने 2 चौके और 2 छक्के जड़े, जबकि रियान पराग ने 22 रनों का योगदान दिया। सैमसन और पराग ने चौथे विकेट के लिए 65 रनों की अहम साझेदारी भी निभाई। वहीं गिल 13 रन, यशस्वी जायसवाल 13 और अभिषेक शर्मा 14 रन बनाकर आउट हुए। रिंकू ने 11 रनों का योगदान दिया। जिम्बाब्वे की तरफ से सबसे ज्यादा 2 विकेट ब्लेसिंग मुजरबानी ने अपनी झोली में डाले। एक एक विकेट सिकंदर रजा, रिचर्ड नगारवा और ब्रेंडन मावुता को भी मिले। टारगेट का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 15 रन के स्कोर पर ही उन्होंने अपने 2 विकेट गंवा दिए थे। फिर डायन मायर्स ने 32 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 34 रनों की पारी खेली। मरुमनी ने 24 गेंदों में 5 चौके की मदद से 27 रन जरूर बनाए। मायर्स और मरुमनी ने तीसरे विकेट के लिए 44 रनों की साझेदारी भी की, लेकिन इनके आउट होने के बाद और कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने नहीं टिक पाया। फराज अकरम ने नीचे खेलते हुए 13 गेंदों में तेजी से 27 रन जरूर बनाए, लेकिन वो जीत के लिए काफी नहीं थे। भारत की तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मुकेश कुमार ने सबसे ज्यादा 4 विकेट अपने झोली में डाले। 2 विकेट शिवम दुबे ने भी चटकाए, जबकि एक एक विकेट वॉशिंगटन सुंदर, तुषार देशपांडे और अभिषेक शर्मा को भी मिले। इस तरह जिम्बाब्वे की टीम 125 रन पर ही ऑल आउट हो गई और 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाई। इस मैच को 42 रनों से टीम इंडिया ने जीता, साथ ही सीरीज को 4-1 से अपने नाम भी कर लिया। शिवम दुबे को प्लेयर ऑफ द मैच और वॉशिंगटन सुंदर को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया।